हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माला लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलम्पियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जीएस और पीआरएमओ की तैयारी भी करवाते हैं, और इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है, जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। तो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप बड़ी ही आसानी से हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा, पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसके बाद यहाँ पर दिए गए ग्रुप लिंक के थ्रू आपको जो है टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप लिंक्स को ज्वाइन करना होगा। अपनी रेलिवेंट क्लास के अकॉर्डिंग आपको इन ग्रुप लिंक्स को ज्वाइन करना है। फॉर क्लास 7 द ग्रुप लिंक इज TTB07। ओके, जैसे ही आप इसे ज्वाइन करेंगे आप वहां से हमारा डीपीपी और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनसे आप जो है नॉलेज ले सकते हैं। अगर वो क्वेश्चंस आपको जो है बहुत ही पसंद आने वाले हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको अपने रेलेवेंट क्लास का कोर्स चूज करना है। ठीक है, आप जैसे ही चूज करेंगे फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7, आपको इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग पैकेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है टेस्ट सीरीज है। अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे आपको भर भर के, भरमार के अंदर क्वेश्चन का भंडार मिलेगा। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जो है अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो है कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है थ्योरी भी कंप्लीट करनी है, थ्योरी भी पढ़नी है, अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स हैं और होमवर्क सबमिशन एंड बाई वीकली क्विजेज भी रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप उसे अवेल कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं कोई सा भी पैकेज। ठीक है, फिर उसके बाद आप जाएंगे, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, और इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शंस वहां पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपके लिए डिस्काउंट कूपन भी अवेलेबल है। जी हाँ, डिस्काउंट कूपन अगर आप अप्लाई करते हैं क्या AM लाइव, ओके, अगर आप अप्लाई करते हैं AM लाइव तो आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। जी हाँ, इसी प्राइज मनी पे आपको मिलेगा सीधा 30% का डिस्काउंट और आप उसे पा सकते हैं यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके। ठीक है, बाय एनी मीन्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप जो है ये कोर्स चूज कर सकते हैं। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ समस्या है, कुछ दुविधा है, कुछ दिमाग में सवाल आ रहा है, तो उसे भी आप क्लियर कर सकते हैं इन नंबर्स पे क्लिक करके, इस नंबर पे कॉल लगा के बड़ी ही आसानी से। ठीक है, नंबर बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए 9549041111। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए नंबर और हम जो है आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं आपको पता है, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस। और वो हम क्यों करते हैं, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। बच्चों तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो आई होप आपने कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है रिवीजन, किसका, फाइबर टू फैब्रिक का। ओके, तो फाइबर टू फैब्रिक का आज हम रिवीजन लेंगे। पूरे लेक्चर्स हमने जो है पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे और अब जो है हम उसका पूरा रिवीजन करते हैं, जहां से हमने स्टार्ट किया था शुरू से, एक बार फिर से शुरू करते हैं। चलिए, तो इंट्रोडक्शन, व्हाई डू वी वियर क्लॉथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं।
वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है, और हमारी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए, अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, और इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड्स इनसे बचने के लिए, ठीक है, यानी कि जो है वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर मोडेसिटी फॉर ब्यूटी एंड ऑल्सो टू शो स्टेटस, ठीक है, जो अच्छे कपड़े पहनता है ऐसा लोगों की मेंटेलिटी है ना, वो उसका स्टेटस क्या होता है, अच्छा होता है, यानी कि वो जो है इट लुक स्मार्ट, उसकी पर्सनैलिटी दिखती है कपड़ों से. द मटीरियल दैट यू यूज फॉर क्लॉथिंग इज कॉल्ड फैब्रिक, और जो मटीरियल हम क्लॉथिंग के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं. ओके, तो आपको पता है कि फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है, ठीक है. चलिए, सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, दैट अगर आप किसी क्लॉथ शॉप के पास जाते हैं तो वहाँ पर आप जो है कितने वैरायटीज के क्लॉथ्स देखते हैं, ठीक है. डू यू वंडर व्हाट दिस फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ, क्या आप कभी सोचते हैं कि ये फैब्रिक कौन से मटेरियल से बने हुए हैं. हाउ यू गेट अ वैरायटी इन फैब्रिक, ठीक है, आपको जो है फैब्रिक के अंदर वैरायटी किस तरीके से मिलती है, किस तरीके से जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के क्लॉथ्स मिलते हैं. ओके, व्हाई सम मटेरियल आर वार्म, सम आर सॉफ्ट, सम आर रफ, ओके, व्हाई दे हैव डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स, ओके, व्हाट आर द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, कौन कौन से मटेरियल से वो आप सारे मटेरियल आपके बने होते हैं, यानी कि फैब्रिक बने होते हैं, वो सब बने होते हैं किससे, दे आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, किससे मिलके बने होते हैं, फाइबर्स से मिलके बने होते हैं. फाइबर्स क्या होते हैं, आपके थिन फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज यूज टू मेक क्लॉथ्स, ठीक है. फाइबर इज योर हेयर लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच फैब्रिक्स आर मेड, ठीक है, और ये आपको जो है किसी भी फैब्रिक के अंदर मिल जाएगा. अगर आप क्या करते हैं, उसमें से कोई एक पतली सी स्ट्रैंड निकालते हैं, उसको अनट्विस्ट करेंगे, तो उसके अंदर आपको जो है लॉन्ग शॉर्ट फाइबर्स दिखेंगे, ठीक है. चल, इंस्टेड ऑफ अ क्लॉथ नाउ पुल व्हाट अ लाइक अ बॉल ऑफ कॉटन, ठीक है, किसी भी कॉटन क्लॉथ से आप जो है स्ट्रैंड निकाल लीजिए, वहां पर आपको जो है अगर आप उस थ्रेड को अनट्विस्ट करेंगे और उसके अंदर आपको जो है फाइबर्स दिखेंगे छोटे छोटे, किसके, कॉटन्स के. तो फाइबर आपके कितनी तरीके के होते हैं, शॉर्ट स्टेपल फाइबर, या फिर उसके अंदर आपको मिल सकते हैं लॉन्ग फाइबर्स लाइक विच आर कॉल्ड फिलामेंट फाइबर्स. ओके, नाउ द फाइबर्स ऑन द बेसिस आर ऑफ थ्री टाइप्स, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक, ठीक है, तीन तरीके के हमारे पास फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर एंड सेमी सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, अंडरस्टूड. चलिए देखते हैं किस किस तरीके के जो हमें हमारे पास फाइबर्स होते हैं. देखिए, फाइबर्स आर ऑफ जनरली टू टाइप्स, जनरली हम जो है दो तरीके के फाइबर्स लेते हैं. सेमी सिंथेटिक फाइबर इज योर डिफरेंट कैटेगरी इन विच द नेचुरल फाइबर्स आर टेकन एंड वी मिक्स द केमिकल्स, वी मिक्स द और वी जस्ट मॉडिफाई इट थ्रू केमिकली, ठीक है, उसके अंदर जो है हम कुछ केमिकल्स मिक्स करके उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. वी टेक नेचुरल फाइबर, नेचुरल अकरिंग फाइबर्स एंड वी एड सम केमिकल्स टू इट एंड वी मॉडिफाई इट, दोज आर कॉल्ड योर सेमी सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, जनरल कैटेगरी ऑफ फाइबर्स इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज योर नेचुरल एंड सिंथेटिक. नेचुरल फाइबर के अंदर दो फाइबर्स आते हैं, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर्स. ओके, प्लांट फाइबर्स आर या लाइक योर कॉटन जूट एंड योर एनिमल फाइबर्स इज लाइक वूल एंड सिल्क. ओके, सो दीज आर योर नेचुरल फाइबर्स. Why we call them natural fiber? Because they are obtained from natural resources like plant and animal. Okay, synthetic fibers on the other hand are man-made, are artificial, are human-made, like they do not occur naturally, we make them. Okay, they are man-made, they are made by the help of petrochemicals. The petrochemical is the raw material for making the synthetic fibers. For example, nylon, polyester, acrylic, spandex, etc. Okay, so these are called your synthetic fibers, which are also known as artificial fibers. These are your man-made fiber and these are made with the help of chemicals. Okay, these are naturally occurring fibers. That's why they are called natural fibers.
They are obtained from plants and animals, so these are called your natural fibers. Okay, understood? Check. So after that, we'll study one by one each fiber in detail. The first is your natural fiber. Okay, natural fiber are your naturally occurring fibers which are obtained from plants and animals. Okay, which are obtained from natural sources. Okay, so that from plants and animals, these fibers are, the sources of these fibers are plant and animal, that's why they are called natural fibers. Okay, some examples are same as cotton, jute, silk, wool. Okay, now further in natural fiber we have plant fiber. The fiber obtained from plants are called plant fibers, and these fibers are obtained from different plants. Okay, we have so many plant fibers which we are going to study later on. Okay, so first plant fiber which is most important is your cotton. Okay, cotton is the most important fiber. You have studied this thing in class 6th also. Okay, in class 6th you may have studied this cotton fiber in detail. Aapne jo hai se cotton fiber ko detail mein padha hoga class 6th ke andar. ठीक है, इट इज कल्टिवेटेड वेयर वार्म एंड सनी वेदर. ठीक है, रिमेन्स फॉर एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ योर ईयर, एंड द कॉटन प्लांट्स रिक्वायर वार्म टेम्परेचर अबाउट 21 to 27 degrees centigrade विद अ सनी ड्राई वेदर. ठीक है, एंड दीज आर द मेन कंडीशंस. जनरली द वेदर रिक्वायर इज वार्म एंड सनी. जो यहाँ पर वेदर रिक्वायर होता है वो वार्म एंड सनी होता है. टेम्परेचर जो है इसके लिए चाहिए होता है 21 to 27 degree centigrade, और रेनफॉल इसके लिए रिक्वायर होती है 50 to 80 centimeter. ठीक है, द सॉइल रिक्वायर फॉर कॉटन फाइबर फॉर द कॉटन इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल में ये बहुत ही अच्छा उगता है. ब्लैक सॉइल इसके कल्टिवेशन के लिए बहुत ही अच्छी सॉइल है. ठीक है, ब्लैक सॉइल हैज द एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर एंड इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन कल्टिवेशन. ओके, चल तो बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कॉटन. ठीक है, व्हेन इट ग्रोज टू मेच्योरिटी द कॉटन बॉल्स आर प्लग्ड और दे आर जस्ट लाइक दे आर प्लग्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट बिकॉज दे आर फ्रूट फाइबर, एंड द कॉटन बॉल्स आर फर्दर प्रोसेस्ड एंड द फाइबर्स आर टेकन टू मेक यार्न थ्रू स्पिनिंग. ओके, एंड द यार्न इज फर्दर वेव और नेटेड टू मेक फैब्रिक. अंडरस्टूड? चलिए, यूजेज ऑफ कॉटन, कहाँ कहाँ आपका जो है कॉटन यूज आ रहा है. कॉटन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स, डिफरेंट ड्रेस मटेरियल्स. ओके, एंड कॉफी फिल्टर्स, टेंट्स एंड बुक बाइंडिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल. सो मेनी यूजेज ऑफ कॉटन आर देयर. ठीक है, द कॉटन सीड्स विच रिमेन ओके आफ्टर द कॉटन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सीड्स और गिन्ड. द प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. The process of removing seed from cotton balls is known as ginning, and it is used to produce cotton seed oil. The seed remain after they are removed from cotton balls. The seed remain, जो seed बच जाते हैं उसमें से उन्हें जो है उनका क्या किया जाता है, उनका oil निकाला जाता है. ठीक है, cotton seed oil जो है उसे हम बोलते हैं cotton seed oil. उसमें से निकाला जाता है. After refining, it can be consumed as a normal vegetable oil. उसे जो है आप normal जिस तरीके से और vegetable oil खाते हैं उस तरीके से ही आप जो है cotton seed oil को use कर सकते हैं. The cotton seed meal that is khal that is left is generally fed to livestock. जो है livestock को वो खिलाने के लिए काम में लिया जाता है. Okay? चलिए, jute next fiber है हमारे पास. क्या jute? It is your long, soft, shiny plant, and it is one of the cheapest natural fiber. Jute fiber are composed of cellulose and lignin. Okay, now jute is your rainy season crop, grows best in warm and humid climate. Jute plant require the temperature 17 to 40 degrees centigrade, and the rainfall require is 120 to 150 mm. So, यहाँ पर इसकी जो है basic information है that temperature require is warm and humid. The temperature range should be that 17 to 40 degree centigrade, and rainfall required is 120 to 150 degree centigrade. Okay, understood? Chal.
द यूजेस ऑफ जूट्स आर दैट क्लॉथ्स आर रेप्ड, ठीक है, क्लॉथ्स आर रैपिंग बेल्स ऑफ योर रॉ कॉटन एंड मेक सिक्स एंड योर कोर्स क्लॉथ्स. जूट फाइबर्स आर ऑल्सो वोवन इन टू कर्टन, चेयर कवरिंग, बैग, वॉल कवरिंग, कारपेट्स, क्लॉथ्स एंड डिफरेंट रग्स, मैट्स. सो बहुत सारे यूजेस हैं आपके जूट के, है ना. जूट आपका गनी बैग्स बनाने के अंदर काम आता है, रोप्स हो गई, मैट्स हो गई, वॉल कवरिंग्स हो गई, रूफ टॉप्स की कवरिंग हो गई. सो इट हैज मेनी मेनी यूजेस. ओके, नेक्स्ट वी हैव एनिमल फाइबर्स. ओके, एनिमल फाइबर्स के अंदर आता है आपका दैट इज योर वूल. सबसे पहला एनिमल फाइबर है आपका कौन सा, दैट इज वूल. वूल इज योर फर्स्ट, दैट इज योर एनिमल फाइबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल फाइबर विच इज यूज ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स लाइक शीप, लेमा, गोल्ट. ओके, एंड द वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर्स ऑफ दीज एनिमल्स. ठीक है, द हेयर्स वेरी फ्रॉम ब्रीड टू ब्रीड. ठीक है, डिपेंडिंग करता है कि वो कहाँ की शीप है, कहाँ से जो है उसे उसके हेयर्स लिए गए हैं. ठीक है, एंड इन इंडिया मोस्टली शीप आर रेयर्ड फॉर गेटिंग वूल. जो है इंडिया के अंदर शीप को पाला जाता है उसके हेयर्स निकालने के लिए. ठीक है, उससे वूल लेने के लिए. द हेयर्स आर शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी एंड फर्दर प्रोसेस आर यूज टू मेक और फर्दर प्रोसेस आर डन टू टेक आउट द वूल. ठीक है, वूल निकालने के लिए जो है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस की जाती है. ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो है गोट और एनिमल्स दिए गए हैं जिनसे हम क्या करते हैं, वूल ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइक अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स. ठीक है, एंड विच आर फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर. याक की भी जो है वूल ली जाती है, उसके हेयर्स भी जो है रिमूव किए जाते हैं, हेयर्स से भी जो है वूल ली जाती है. एंड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम कश्मीरी गोट इज योर सॉफ्ट वूल विच इज यूज टू मेक वॉट हाई क्वालिटी वूल विच इज योर विच इज यूज टू मेक द हाई क्वालिटी वूल. द कश्मीरी गोट हैज वूल विच इज योर हाई क्वालिटी वूल एंड विच इज यूज टू मेक पश्मीना शॉल्स. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. ओके, लाइक वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम कैमल्स ऑल्सो. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम लेमा एंड एल्पका विच आर फाउंड इन साउथ अमेरिका. ठीक है, ये जो है एनिमल्स आपके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पाए जाते हैं. ठीक है, इंडिया के अंदर जो है आपके लद्दाख हो गया, आपका जो है तिब्बत हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, या फिर जो है राजस्थान में भी आपको गोट्स वगैरह देखने को मिलती है जिनसे वूल ऑब्टेन होता है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वूल. वूल की क्या प्रॉपर्टीज हैं. वूल इज योर नेचुरल एंड रिन्यूएबल. ठीक है, नेचुरल है और रिन्यूएबल भी है, इसको बार बार जो है आप यूज कर सकते हैं. फ्लेम रिटार्डेंट एंड इट इज बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल है यानी कि टाइम के साथ इजीली डीकम्पोज हो जाती है. ठीक है, इट इज नॉट योर नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है. इट इज़ योर बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाती है, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है. ठीक है, इट इज़ योर ब्रीथेबल एंड नॉन एलर्जिक एज वेल. ठीक है, आप इसे जो है गर्मियों में भी पहन सकते हैं. ठीक है, हालांकि जो है इसे विंटर्स में ज़्यादा चूज किया जाता है क्योंकि इट कीप्स यू वॉर्म फीलिंग. तो ये क्या करती है, इट अलाउज इट टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज वाटर वेपर्स. ठीक है, इट हैज़ अ वूल हैज़ नेचुरल स्ट्रक्चर सो इट कीप्स यू वार्म इन विंटर्स एंड कूल इन यू समर्स. समर्स के अंदर जो है ये ठंडा रखती है और विंटर्स के अंदर आपको जो है गर्म फील करवाती है. इट हैज़ नेचुरल स्ट्रक्चर लाइक दैट. सो नॉन एलर्जिक, एलर्जिक भी नहीं है, नेचुरल फाइबर है इसलिए जो है ये एलर्जिक भी नहीं है. It does not promote to the growth of bacteria. Okay, so it is non-allergic and it is durable and elastic. काफ़ी लंबी समय तक चलती है. It is durable and it is elastic as well. जो है इसे आप stretch भी कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं. Wool fiber can be bent to about 20,000 times without breaking. Okay, and the power of recover and return to its natural shape. Because it has power to retain its shape,
इट इज इजी टू केयर, ओके, इट डज नॉट रिक्वायर मच केयर. मॉडर्न वूल कैन बी मशीन वॉश रिटेन ऑन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नेचुरल ऑयल और वूल फाइबर रेजिस्ट द डर्ट एंड ग्रीस. ओके, इट इज इजी टू केयर. इट जो है ज़्यादा गद्दी भी नहीं होती है इसके ऊपर, डस्ट और डर्ट जो है ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती, और इजीली अगर हो भी जाती है तो यू कैन इजीली वॉश इट इन मशीन्स. ओके, मल्टी क्लाइमेटिक वूल इज मल्टी क्लाइमेटिक, नेचुरली इंसुलेटिंग, इट हैज़, इट कवर्स योर बॉडी थ्रू लाइक कोल्ड एयर, विंटर्स के अंदर इन्हें पहनते हैं तो वूल कैन इंसुलेट एंड प्रोवाइड the home providing for your warmth and reducing the energy cost. Okay, and it is your sun safe. Wool has naturally high UV protection. Okay, if you wear it in summers, it will protect you from the sun. Okay, next, rearing and breeding of sheep. Okay, the process of like obtaining wool. तो यहाँ पर जो है हम उसकी रेयरिंग और ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे, फिर जो है हम उसकी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे डिटेल के अंदर. सो इसकी रेयरिंग की जाती है, ठीक है, उसे जो है शेपर्ड बोलते हैं, जो लोग इनकी देखभाल करते हैं. एंड शीप डज नॉट हैव और शीप डज नॉट रिक्वायर अ हाई एंड और एक्सपेंसिव हाउसिंग्स, एंड इट इज हैप्पी टू लिव वेयर यू कीप इट, और दीज लाइक इवन यू कैन रेज देम इन with other livestock also, and for commercial production you need to specify the area for their breeding, for their roaming. Okay, so usually the adult sheep require about 20 square feet floor space. ठीक है, अगर आप जो है production level पे, high level पे अगर जो है उनसे आपको wool obtain करना है तो आप जो है उनके लिए आपको अलग से जो है space रखना पड़ेगा. ठीक है, नाउ फीडिंग, आप उन्हें क्या खिलाएं, यू कैन फीड देम, इफ यू वॉन्ट अ गुड और मैक्सिमम और हाई क्वालिटी वूल देन यू हैव टू फीड देम गुड मटीरियल. ओके, सो हाई क्वालिटी फूल ऑल्सो कीप्स और ऑल्सो हेल्प्स द एनिमल टू कीप देम हेल्दी, प्रोटेक्टिव एंड डिजीज फ्री. ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू फीड योर गोट हाई क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनस फूड. यूजली ऑल टाइप ऑफ ग्रासेस, प्लांट्स, है ना, कॉर्न्स आर द फेवरेट फूड ऑफ शीप्स. ओके, कुछ भी आप खिला सकते हैं, ग्रास हो गया, प्लांट्स हो गए छोटे छोटे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वहां पर कॉर्न्स हो गए, है ना. तो प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीस इनटू वूल, ठीक है, फ्लीस जो है आप कैसे निकालते हैं वूल के अंदर से, ये सारी प्रोसेसेस जो है इसके अंदर यूज आती है. एक एक करके जो है हम इन्हें डिटेल में देखते हैं. पहला आता है आपकी शेयरिंग. शेयरिंग क्या होता है, वूल जो है शीप से उसके हेयर्स निकालना, उसकी फ्लीस निकालना. फ्लीस क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है उसके स्किन की, जिसके ऊपर जो है हेयर लगे होते हैं. ठीक है, तो उसी को भी जो है साथ में निकाल लिया जाता है पूरा एक साथ रखने के लिए, या फिर जो है उसके हेयर्स सिंपली रिमूव कर लिए जाते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज शेयरिंग, शेयरिंग इज द रिमूवल ऑफ हेयर्स फ्रॉम द शीप. ठीक है, इट इज डन जनरली इन समर्स, बिकॉज in summers or in spring the sheep does not require the hairs. okay, उसे जो है अपने hairs की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, गर्मियाँ आ चुकी होती हैं लगभग, तो वहाँ पर जो है उसके hairs remove कर लिए जाते हैं. ठीक है, सर्दियाँ आते आते वापस से उसके hairs आ जाते हैं, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती अगर गर्मियों में आप उसके hairs निकाल लें तो. ठीक है, चलिए, यहाँ पर जो है कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू, हम वापस से हमारी स्लाइड पे आ जाते हैं. ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वूल, वूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तो हमने क्या देख रहे थे कि दैट शेयरिंग, है ना, शेयरिंग जो है रिमूवल ऑफ हेयर्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप. ओके, नाउ उसके बाद क्या होता है, उसकी ग्रेडिंग और सॉर्टिंग की जाती है. ग्रेडिंग और सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है, ग्रेडिंग में जो है उसे डिफरेंट डिफरेंट गेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, ए बी सी या डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिटी. ठीक है, और उसे जो है क्या कर दिया जाता है, सॉर्ट कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है. ठीक है, कौन सी बॉडी पार्ट से उसका जो है वूल लिया गया है, उसके शोल्डर से लिया गया है, उसके साइड से लिया गया है, या फिर उसके लेग्स से लिया गया है. ठीक है, लेग्स से जो वूल ली जाती है वो थोड़ी सी रफ होती है,
और थोड़ी लो क्वालिटी होती है, ठीक है। अगर आप उसकी साइड्स और शोल्डर से लें तो वो हाई क्वालिटी वूल होती है और सॉफ्ट वूल होती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर टेक्सचर्स और डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिटीज उनकी जो है ग्रेडिंग कर दी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने के बाद उनको अब क्या होता है, उनकी क्लीनिंग और स्कोरिंग होती है, ठीक है। उनके ऊपर डर्ट डस्ट रिमूव जो है वो रिमूव की जाती है, ग्रीस ऑयल जो भी लगा होता है वो उसको क्या कर दिया जाता है, वॉश किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। और वो रिमूव हम कैसे करते हैं, किसी भी जो है अल्कली बाथ के अंदर उसे रख करके, ठीक है, जिसके अंदर वाटर सोप वगैरह जो भी उसका सॉल्यूशन होता है उसके अंदर से उसे जो है पास किया जाता है, गर्म पानी में उसे धोया जाता है ताकि उसके अंदर से जो है सारे बैक्टीरियाज वगैरह निकल जाए, सारी डर्ट और डस्ट इजीली क्या हो सके, रिमूव हो सके, ठीक है। जो एक्सेस वाटर होता है उसे रोलर्स के थ्रू जो है स्क्वीज कर लिया जाता है और जो है पूरी ड्राई वूल जो है निकाल ली जाती है। फिर उसके बाद क्या होती है, उसकी कार्डिंग होती है। कार्डिंग में क्या होता है, यहाँ पर रोलर्स होते हैं, रोलर्स के अंदर से जो है उस वूल को पास किया जाता है, रोलर्स के ऊपर टीथ होते हैं, है ना, उन टीथ से जो है उसे स्ट्रेच किया जाता है, यानी कि उसे जो है लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स के अंदर, लॉन्ग शॉर्ट फाइबर्स के अंदर जो है अलग अलग सुलझा लिया जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉन्ग फाइबर जो है एक ओपनिंग से जो है कलेक्ट कर लिए जाते हैं और क्या कर लिया जाता है, दे आर यूज टू मेक यार्न, उससे जो है यार्न बना लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रोलर्स घूमते रहते हैं और रोलर्स से जो है वहां से वूल निकलती है, उनके अंदर टीथ्स होते हैं जिससे आपकी सारी वूल जो है वो सुलझती चली जाती है, उलझी सी होती है, तो वो सारी जो है लॉन्ग शॉर्ट फाइबर्स के अंदर जो है सिंपल स्ट्रेट फाइबर्स जो है वहां पर बनते चले जाते हैं, ठीक है। द फाइबर्स आर पास थ्रू अ सीरीज ऑफ मेटल टीथ स्ट्रेटन, ठीक है, द ब्लेंड देम एंड कार्डिंग ऑल्सो रिमूव द रेजिडुअल डर्ट। यहाँ पर अगर कुछ डर्ट डस्ट भी बच जाए बाई चांस तो वो भी जो है इजिली रिमूव हो जाती है। कार्डिंग ऑफ वूल इंटेंटेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रॉइंग, ओके। नेक्स्ट स्पिनिंग, उसके बाद जो है आपने उनके लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेंथ्स या फिर फिलामेंट्स या फिर बोलें जो है शॉर्ट फाइबर्स, उन सबको क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब क्या करोगे आप, उसकी स्पिनिंग करोगे। स्पिनिंग करने से क्या होगा, हम दो तीन फाइबर्स को जो है ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने से वो एक आपका लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वहां से उसका बन जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं, ठीक है। सो स्पिनिंग में क्या होता है, चरखे के थ्रू या फिर मशीनरीज के थ्रू क्या होता है, उस फाइबर्स को जो है ट्विस्ट किया जाता है। फाइबर को ट्विस्ट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यार्न के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और एक लॉन्ग थ्रेड वो जो है बना लेते हैं, ठीक है। तो पुराने टाइम में इस तरीके से हैंड व्हील से, चरखे से जो है स्पिनिंग की जाती थी और अब जो है लार्ज स्केल पे वर्क होता है तो मशीनरीज का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर विविंग। विविंग में क्या होता है, विविंग के अंदर दैट इज यहां पर हम क्या करते हैं, आपके फाइबर्स को जो है यार्न को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ज्वाइन किस तरीके से करते हैं, एज अ क्रिस क्रॉस शेप के अंदर जो है हम उन्हें ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एक फाइबर जो है आपका वर्टिकली रखा जाता है, कुछ फाइबर्स आपके जो है वर्टिकली रखे जाते हैं और कुछ फाइबर जो है हॉरिजॉन्टली रखे जाते हैं, ठीक है। देवर प्लेस ऑन 90 डिग्री और वो जो है क्रिस क्रॉस शेप के अंदर, यानी कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से जो है उनकी विविंग की जाती है, ठीक है। और विविंग से फिर क्या बनता है आपका, दैट इज योर फैब्रिक बनता है, ठीक है। विविंग से क्या बन जाता है आपका, फैब्रिक बन जाता है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ योर क्लॉथिंग मटेरियल बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाती है, फिनिशिंग हो जाती है। फिनिशिंग के अंदर क्या होते हैं, फिनिशिंग के अंदर जो है हम क्या करते हैं, उनको उसकी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो और अच्छा दिखे, ठीक है। उसको टाइट कर दिया। फोलिंग का मतलब क्या होता है, इमर्सिंग द फैब्रिक इन वाटर टू मेक द फाइबर इंटरलॉक, उसे जो है पानी में डुबो दिया जाता है, पानी में रखा जाता है, जिससे कि उसके फाइबर्स क्या हो जाए, अच्छे से टाइटली पैक हो जाए, इंटरलॉक हो जाए, ओके। क्रैबिंग की जाती है, परमानेंटली सेटिंग द इंटरलॉक एंड डिकेटिंग, मतलब उसको जो है श्रिंक प्रूफ बनाया जाता है, उसकी जनरली जो है क्वालिटी इंप्रूव कर दी जाती है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट यू कैन डाई इट ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद जो है आप इसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर डाई कर सकते हैं। आप चाहें तो कार्डिंग प्रोसेस के टाइम भी जो है इसे
डाई कर सकते हैं। ठीक है, यूजेस क्या हो गए, यूजेस इसके जो है कोट्स बनाने के अंदर, स्कार्फ्स, ग्लव्स, शॉल, सूट, कारपेट, बहुत सारे यूज हैं वूल के। ठीक है, जब आप इसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो वहां पर कुछ ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स भी हो जाते हैं, जो होते हैं किस वजह से, यहाँ पर क्या हो जाता है, आप इसे वॉश करते हैं या फिर जो है इसको स्कोरिंग करते हैं, तब वहाँ पर जो है बैक्टीरियाज के कारण, लाइक बैक्टीरिया नोन एज एंथ्रेक्स, वहाँ पर क्या होता है, ब्लड फेटल डिजीज हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉर्टर डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि वो सॉर्टर्स ही जो हैं जो ये काम करते हैं, तो उन्हें जो है डिजीज हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दीज आर द डिफरेंट स्टेट वेयर यू कैन गेट द वूल, जम्मू कश्मीर, ओके, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ओके, गुजरात, वेयर यू कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल। उसके बाद आता है आपका सिल्क, सिल्क कहाँ से ऑप्टेन होता है, सिल्क ऑप्टेन होता है आपका अनदर टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है, सिल्क वॉर्म से जो है आपका सिल्क ऑप्टेन होता है, सिल्क इज योर नेचुरल प्रोटीन फाइबर, ये सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, जिससे आपका बनता है क्या, सिल्क, ओके, सिल्क इज योर सॉफ्ट एंड लस्टरस, सॉरी, सिल्क इज योर सॉफ्ट एंड लस्टरस, एंड सिल्क इज प्रोड्यूस बाय द सिल्क मॉथ, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सिल्क मॉथ से प्रोड्यूस होता है, साइंटिफिक नेम ऑफ द सिल्क मॉथ इज बॉम्बिएक्स मोरी, और यही ब्रीडिंग ऑफ दीज मॉथ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज योर सेरीकल्चर, और इसी कल्चर को जो है हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो सिल्क आपका किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर जो सिल्क वॉर्म है, अडल्ट सिल्क वॉर्म्स हैं, वो क्या करते हैं, दे ले एग्स ऑन मलबेरी लीव्स, वो क्या करते हैं, मलबेरी लीव्स पर एग्स अपने छोड़ते हैं, ले करते हैं। ठीक है, उन एग्स में से क्या होते हैं, फिर आपके जो हैं सिल्क वॉर्म निकलते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली नहीं, उनमें से जो है छोटे बेबीज निकले हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं, उनके अंदर से एग हैच होता है, हैच होने के बाद उसके अंदर से लार्वा निकलता है, लार्वा को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर भी बोलते हैं। ओके, फिर ये लार्वा जो है क्या करता है, ये आपकी मलबरी लीव्स को खाता है। ठीक है, उसी मलबरी लीव्स को सबको जो है ईट करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, एक महीने तक जो है ये उन लीव्स को खाते रहते हैं, उन लीव्स को खाने के बाद जब ये प्रॉपरली जो है अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, एक वेट स्टिकी सब्सटेंस अपनी बॉडी में से रिलीज करते हैं, और उसे पूरी बॉडी के चारों तरफ घुमाते हैं एट की शेप के अंदर। ठीक है, और ये उसके अंदर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, जिसे हम कौन सी स्टेज बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। ओके, और उस कवरिंग को जिसके अंदर ये होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, कुकून, है ना, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कुकून, और उसके अंदर जो है दो तीन दिन में ये अपने अंदर जो है चारों तरफ पूरी कवरिंग बना लेते हैं, और फिर जो है कुछ टाइम तक उसके अंदर रहते हैं, फिर हो सकता है वहाँ से जो है कुछ आपके सिल्क वॉर्म निकल जाए। ठीक है, अडल्ट सिल्क पूरी अच्छी तरीके से जब इनकी ग्रोथ हो जाती है, तो ये उस कुकून में से निकल जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द अगेन द लाइफ साइकिल, वो फिर क्या करते हैं, मेट करते हैं, ब्रीड करते हैं, फिर अगेन दे ले एग्स ऑन मलबेरी लीव्स, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। ओके, सो चलिए डिटेल में देखते हैं एक एक करके इस प्रोसेस को, क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, सिल्क फाइबर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिल्क वॉर्म और सिल्क मॉथ नोन एज बॉम्बिएक्स मोरी, फीमेल सिल्क और फीमेल मॉथ ले एग्स ऑन मलबेरी लीव्स एंड विच हैच आफ्टर 20 डेज। ठीक है, विच हैच आफ्टर 20 डेज, द लार्वा मेक देयर कुकून्स बाय यूजिंग द वेट स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द सिल्क ग्लैंड, द कुकून इज स्पन यूजिंग टू थ्रेड्स, ओके, एंड दिस स्टेज इज नोन एज योर प्यूपा। ओके, द कुकून्स आर आइदर रोस्टेड और ड्रॉप्ड इन बॉइलिंग वाटर टू किल प्यूपा, एंड दीज रिलीज द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कुकून विच आर देन स्पन इनटू रील। ओके, चलिए, रियरिंग ऑफ सिल्क क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके सिल्क मॉथ जो है इस तरीके से एग ले करते हैं, और उसके अंदर से आपका क्या निकलता है, लार्वा निकलता है ना, छोटा सा जो है सिल्क वॉर्म यहाँ से निकलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, लार्वा या फिर कैटरपिलर। ठीक है, नाउ दीज लार्वा ईट अप द मलबरी लीव्स फॉर अबाउट 20 to 30 डेज, और उसके बाद ये क्या करते हैं, दे स्टॉप ईटिंग। ठीक है,
आफ्टर दैट दे स्टॉप ईटिंग एंड रेडी टू स्पिन कुकून्स। ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ इस तरीके से कवरिंग बना लेते हैं। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। नाउ द कुकून मेक दिस और द सिल्क वॉर्म मेड दिस सिलिकन कुकून्स इन टू टू थ्री डेज। टू टू थ्री डेज के अंदर वो जो है पूरी अपनी कवरिंग बना लेता है। द प्रोसेसिंग ऑफ कुकून टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। अब क्या होता है, उन कुकून्स को हम बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देते हैं। बॉइलिंग वाटर के अंदर डालने से जो उनके अंदर सिल्क वॉर्म होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, पूरे जो है उसके अंदर से जो भी उसका गमी सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, वो वाटर के अंदर जो है निकल जाता है। हमें उसमें से जो है फाइबर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप उनको ठीक करने लगते हैं, उनकी रीलिंग करने लगते हैं, तो इसमें से जो है आपको लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स जो है निकलने लग जाते हैं, मिलने लग जाते हैं। ओके, एंड फर्दर व्हाट हैपेंस, जो है उन्हें ड्राई अप कर लिया जाता है, ठीक है। वेट कोकून्स को फिर क्या किया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है, और उसके अंदर से जो है इस तरीके से फाइबर्स निकाल लिए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आपका रॉ सिल्क, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, रॉ सिल्क बोलते हैं। नाउ देन क्या होता है, उन रॉ सिल्क को जो है इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। रॉ सिल्क से जो है उनकी रीलिंग की जाती है और उनसे जो है फाइबर बनाया जाता है, ठीक है। अबाउट 5,500 कुकून्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 kg ऑफ सिल्क। इस तरीके से जो है उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है, सुखाया जाता है, और फिर इनके अंदर से जो है फाइबर्स निकाले जाते हैं, लॉन्ग फाइबर्स, ओके, फ्रॉम द कुकून। कन्वर्टिंग द सिल्क फाइबर इनटू सिल्क क्लॉथ, ठीक है। फिर उसके बाद आप उन्हें फाइबर्स में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, यू कैन कन्वर्ट इट थ्रू स्पिनिंग। इसकी भी क्या की जाती है, फिर स्पिनिंग, जिसे हम जो है इसके अंदर रेलिंग बोलते हैं। रेलिंग बोलते हैं जो है आप उस फाइबर्स को जो है क्या कर लेते हो, पूरा यार्न के अंदर कन्वर्ट कर लेते हो। इट इज़ यूज टू मेक ड्रेस मटीरियल, साड़ीज, स्कार्फ्स, जैकेट्स, ग्लव्स, कारपेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल, और जो भी डैमेज वूल और डैमेज कोकून हो जाती है, वेस्ट कोकून हो जाती है, उसे जो है हम डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क जो है वहाँ पर प्रोड्यूस कर लेते हैं, उससे डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल जो है हम बना लेते हैं। किरपी इज़ अ काइंड ऑफ सिल्क, देर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क यूज टू मेक डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ योर सिल्क मटीरियल्स और सिल्क क्लॉथ्स, ठीक है। वी हैव लाइक थ्रोइंग इज द अनदर टाइप ऑफ योर सिल्क, ठीक है। इट इज योर सिंगल थ्रोइंग, थ्रोन सिल्क, थ्रोन सिंगल्स इज अ टाइप ऑफ सिल्क इन विच इंडिविजुअल थ्रेड्स आर ट्विस्टेड इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पिनिंग दे आर डिवाइडेड इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ टाइप ऑफ सिल्क विच इज मेड बाय ट्विस्टिंग अ थ्रेड इन वन डायरेक्शन, ब्रिंगिंग द टू और मोर सच थ्रेड्स टुगेदर एंड ट्विस्टेड देम इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर सिल्क दे आर ऑफ 3-4 टाइप्स, ओके। मलबरी सिल्क इज द अनदर टाइप ऑफ सिल्क। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सिल्क वॉर्म, ओके, क्योंकि सिल्क वॉर्म जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी लीव्स ईट अप करते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज से आपको मिलते हैं, तो जो है उन्हें उस बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि मलबरी यहाँ पर सिल्क है, ये क्या करता है, मलबरी लीव से ही जो है खाता है, ठीक है। ये सिल्क वॉर्म जो है आपका क्या खाता है, मलबरी लीव्स से ही आपको मलबरी लीव्स पे ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, मलबरी ट्यूब्स पे, तो उसे जो है हम मलबरी सिल्क बोलते हैं। एरी सिल्क आर प्रोड्यूस बाय फिलोसोमिया रेसिन वॉर्म्स, ठीक है। दीज वॉर्म्स फीड ऑन द लीव्स ऑफ कोस्टर ट्रीज एंड तुसर सिल्क हो गई, मूंगा सिल्क हो गई, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस बाय एनहेरा, ओके, एनहेरा वॉर्म्स। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिल्क ऑल्सो। सिल्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ सेरिसिन एंड फेब्रोनिन। सेरिसिन इज यूज टू जॉइन द टू एंड्स ऑफ कुकून। इट हैज शाइन एंड लस्ट्रस, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट हैज स्ट्रॉन्गनेस as comparable to steel, okay. Silk fiber does not conduct heat, ठीक है। सिल्क फाइबर जो है हीट को कंडक्ट नहीं करते। दे एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड कीप्स आर बॉडी कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर्स, ओके। सिल्क इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ फाइबर्स। इट इज यूज फॉर मेकिंग साड़ीज, ड्रेस मटीरियल्स, जैकेट्स, स्कार्फ्स एक्सेट्रा, एंड देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिल्क डिपेंडिंग अपॉन देयर वेराइटीज, लाइक योर क्रीपी सिल्क, मलबरी, चंदेरी, एरी, मूंगा, तसर, ओके। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ
सिल्क भी है। नाउ दिस इज द होल चार्ट फॉर विच इज एक्सप्लेनिंग द सेरिकल्चर। ओके, नेक्स्ट वी हैव सेमी सिंथेटिक फाइबर विच वी हैव ऑल्सो स्टडीड इन आर लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में भी जो है हमने इसे स्टडी किया था। इसमें क्या होता है, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन नेचुरली अकरिंग फाइबर बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। इसमें क्या किया जाता है, केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है नेचुरल फाइबर का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका सेमी सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल भी जो है मैंने आपको दिया था, रेयॉन है ना, रेयॉन इसका एग्जाम्पल है ऑफ सेमी सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, जो जो है आपके केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं, विच आर केमिकल सब्सटेंस प्रोसेस्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। सो ओके, दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस एंड दीज फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके पॉलिएस्टर, नायलॉन, अक्रैलिक, ओके, योर स्पेंडिक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। इसमें क्या किया जाता है, केमिकल्स के थ्रू उन्हें प्रोसेस किया जाता है, एक स्पिनर्स के थ्रू उन्हें जो है गुजारा जाता है, जिससे वहां पर हमें लॉन्ग फिलामेंट मिल जाता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आपके जो है स्ट्रांग होते हैं, दे डू नॉट रिंकल इजीली, दे ड्राई अप इजीली, ओके, दे एब्जॉर्ब वेरी लेस स्वेट, सो इट इज नॉट सुटेबल टू वियर देम इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, दे आर मिक्स्ड विद अदर नेचुरल फाइबर्स टू इंप्रूव देयर क्वालिटीज। ओके, नेक्स्ट वी हैव अदर यूजफुल प्लांट फाइबर्स। ठीक है, प्लांट फाइबर्स आपके दो तीन कैटेगरीज के अंदर जो है स्टेम फाइबर, लीफ फाइबर और फ्रूट फाइबर्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट ऑफ द प्लांट दे आर ऑब्टेन। हमारे पास क्या है, पहला कॉयल फाइबर। कॉयल फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होता है, आपको कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होता है। ठीक है, कॉटन प्लांट जो है, कॉटन नहीं सॉरी, कोकोनट, क्या बोला मैंने, दैट इज आई हैव स्पोकन, कोकोनट प्लांट से आपको जो है कॉयर फाइबर ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सो कोकोनट प्लांट से आपको क्या ऑब्टेन हो रहा है, कॉयर फाइबर ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, यहां पर कोकोनट क्या है, आपका फ्रूट फाइबर है। ओके, कोकोनट क्या है, आपका फ्रूट फाइबर है। द हस्क इज देन सेपरेटेड, और इसकी जो है कवरिंग, उसे सेपरेट कर लिया जाता है, उससे जो है आपका फाइबर बनाया जाता है। किस काम आता है ये, रोप्स बनाने के अंदर, फ्लोर कवरिंग्स, मैट्स, रग्स बनाने के अंदर काम आता है। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड इन स्टफिंग इन मैट्रेसेस एंड पिलोज। ओके, सेकंड है आपका, दैट इज योर सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन इज अनदर योर फ्रूट फाइबर ऑब्टेन बाय द बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट, उसके अंदर से जो है फाइबर्स निकलते हैं, इसे जो है आप कपोक भी बोलते हैं। और क्या बनाने का काम आ रहा है, ये आपका स्लीपिंग बैग्स, पिलोज और लाइफ जैकेट्स बनाने के अंदर और साड़ीज वगैरह बनाने के अंदर वी यूज सिल्क फाइबर बिकॉज इट इज सॉफ्ट फाइबर। एंड नेक्स्ट इज योर हेम्प फाइबर। हेम्प फाइबर इज योर बास्ट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट एंड इट ग्रोज बेस्ट इन लूमी सॉइल। एंड हेम्प फाइबर इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रोप्स, कारपेट्स, नेट्स। ठीक है, सेम टाइप ऑफ फाइबर के क्लॉथ्स एंड पेपर्स बनाने के अंदर जो है हमारे पास हेम्प फाइबर यूज आता है। नेक्स्ट वी हैव फ्लेक्स फाइबर। फ्लेक्स फाइबर इज अनदर टाइप ऑफ बास्ट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट एंड विच इज यूज टू मेक द फैब्रिक कॉल्ड लिनिन बनाने के लिए यहां पर काम आता है। फ्लेक्स फाइबर आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप्स एंड हाई क्वालिटी पेपर्स। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज योर कपोक। कपोक इज सेम एज योर सिल्क कॉटन फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कपोक ट्री। ओके, उसे जो है कपोक ट्री भी बोलाता रहता है। और बर्स्टिंग ऑफ द फ्रूट ऑल्सो हेल्प्स द ट्री डिस्पोजिंग इट्स सीड। यहाँ पर क्या होता है, उसका फ्रूट जो है बर्स्ट होता है, फूटता है, पक जाता है जब, और फिर उसके अंदर से इस तरीके से जो है फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ फाइबर टू फैब्रिक। आई होप आपको जो है पूरा चैप्टर रिकॉल हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है इसके लेक्चर्स देख सकते हैं डिटेल में, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर्स, यू लाइक द रिविजन ऑल्सो। ठीक है, तो क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।